महाराज के वंशजों का अपमान को लेकर मुंबई के बोरीवली इलाके में शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत के विरुद्ध बीजेपी युवा मोर्चा के तजिंदर सिंह तिवाना के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। संजय राउत की तस्वीर पर स्याही पोती गई और उन्हें जूतों से पीटा गया। विधायक मनीषा चौधरी, विनोद सैलार और अन्य लोग मौजूद रहे। तो मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था मौजूद लोगों का, देखिए मुंबई की खास रिपोर्ट में। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि संजय राउत के दिमाग का स्क्रू ढीला है कि उसका ये जो बयान, शर्मनायक बयान, उन्होंने कहा कि वो किसका पुरावा मांगना चाहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज का। शिवसेना जो पार्टी है उन्होंने अपने पार्टी की शुरुआत ही छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से की है, तो उनको खुद को शर्म आती चाहिए, उनका नेता किसके पुरावा मांग रहा है करके। मैं शिवसेना से ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपना नाम शिव निकाल कर सोनिया सेना रख देना चाहिए, अब वो ऐसी नौबत आ गई है। देखिए आज मुंबई युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई बोरीवली में माननीय छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के नीचे आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं संजय राउत के खिलाफ, और ऐसे प्रदर्शन पूरे मुंबई में युवा मोर्चा पूरे 36 विधानसभा में करेगा आगे चलकर। देखिए माननीय छत्रपति शिवाजी महाराज का सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पूरे विश्व में उनके भक्त है, तो जितने युवा है पूरे देश के वो सभी युवा में आक्रोश है और सभी रास्ते पे उतरने वाले हैं इस शर्मनाक बयान के खिलाफ। अगर वो माफी नहीं मांगते तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? हमारा प्रदर्शन पूरे मुंबई में युवाओं का चलते रहेगा। अगला प्रदर्शन हम शिवसेना भवन पे करेंगे, मातोश्री पे भी जाएंगे, माननीय उद्धव जी के साथ निवेदन करेंगे कि ऐसे आदमी को पार्टी से निकालिए। संजय राउत जो कमेंट्स कर रहा है, पहले जो गोयल करके एक व्यक्ति थे उन्होंने जो किताब लिखी शिवाजी महाराज के साथ, मोदी जी के साथ उनका संबंध जोड़ा, तो हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी ने तो उसका निषेध किया था। वो गोयल था, वो पहले शिवसेना में ही था, तो अभी जब भारतीय जनता पार्टी ने वो किताब वापस लेने को लगाई और बताया कि गोयल की राह है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि भाई शिवाजी महाराज का भावड़ा हो, मैं सेवक हूँ, मैं कोई प्रधान सेवक हो ऐसा कहते हैं, उन्होंने कभी आपकी उपमा माननीय शिवाजी महाराज से नहीं की थी, लेकिन इन्होंने चलाया। लेकिन नहीं चाहिए ये आघाड़ी की सरकार छत्रपति शिवाजी नाम के ऊपर जो राजनीति कर रही है, और अभी राजनीति इतने नीचे के ऊपर चल रही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज है इनके ऊपर अगर डाउट खाते होंगे तो ये बालासाहेब हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना नहीं है। जिन बालासाहेब ठाकरे ने शिव छत्रपति के आशीर्वाद से ये शिवसेना का स्थापन किया था, ये शिवसेना संजय राउत की शिवसेना, ये शिवसेना युवराज आदित्य ठाकरे की शिवसेना बन गई है। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की युति थी, ये हमारे हिंदुत्व के थे, अभी आचार विचार किधर गए चल रहे हैं दाऊद के साथ, ये महाराष्ट्र की जनता कभी भी सहन नहीं करेगी। और संजय राउत को माफी मांगने के लिए, संजय राउत जी ने जो शिवाजी के वंशज है, उदयनराजे भोसले हो गए, छत्रपति शिवा संभाजी जी हो गए, उनके ऊपर जो डाउट लिया है ये हर एक महाराष्ट्र का, हर एक समाज का उन्होंने दिल को एक धक्का दिया है। इसीलिए संजय राउत का निषेध करने के लिए, शिवसेना का निषेध करने के लिए भारत, बात सही है। आज युवा मोर्चा, हमारे मुंबई भारतीय जनता के युवा मोर्चा के अध्यक्ष
तेजिंदर तिवाना के नेतृत्व में आज एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने यहाँ पर लिया। वैसे कल से पूरे महाराष्ट्र भर में इसकी शुरुआत हो चुकी है और सच मायने में मामी मराठीत म्हणतो संजय राउत वेड़ा झाला और संजय राउत सच में पागल हो गए, क्योंकि पागलपन का लक्षण है उनमें, कुछ भी बोलते हैं। वैसे दो महीने से वो लगातार कुछ भी बोल रहे हैं, मीडिया ने थोड़ा बहुत उनको हाइप क्या दी तो अपने आप को वो महाभारत के संजय समझने लगे हैं। जैसे वो संजय को सब कुछ दिखता था, जो लोगों को नहीं दिखता था वो उनको दिखता था, वैसा उनको लगने लगा है ये संजय राउत को, मुझे बहुत कुछ समझता है, मुझे सब कुछ दिखता है। इसके लिए कुछ भी बोल रहे हैं, जिस महाराज शिवाजी महाराज के नाम पर पूरी महाराष्ट्र की जनता अपने आप को न्योछावर कर देती है, उस महाराज की के जो वंशज है उदयन राजे भोसले, उनके पास से वे पुरावा मांग रहे हैं कि आप शिवाजी महाराज के वंशज हो। तो हम संजय राउत को पूछते हैं, भाई तू भी तेरा पुरावा दे, तू अपने माँ बाप का बेटा है तो वो भी पुरावा दे, अच्छा लगेगा क्या उनको सुनकर? लेकिन किस तरह की बातें कर रहे हैं, और मुझे तो ताज्जुब होता है, ताज्जुब इसका होता है भाई बाला साहब के वंशज आप हो इसके लिए आप मुख्यमंत्री बने हो, बाला साहब के वंशज हो इसके लिए